चाहत हुई तेरे नाम। स्कूल के काम करके जल्दी घर चली जाना, वैसे भी हम ही बारिश के बगैर ज्यादा देर नहीं रहते। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम्हारा थैंक यू अशर। थैंक यू किस बात के लिए? यहाँ ड्रॉप करने के लिए? मुझ पे एतबार करने के लिए। देखो हीरा, जिंदगी में एक ही बार एतबार किया, और अगर वो एतबार उठ जाए तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप इस बात पर एतबार रखिए कि मैं आपका एतबार कभी नहीं दूंगी। ठीक है, अभी तुम जाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर होगी। अच्छा, वो खाला आप आ गई, चले ना प्लीज, अब स्कूल चले। हाँ हाँ चलेंगे, थोड़ी देर बैठ तो जाऊं। अरे खाला को बैठने तो दो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आज की सुबह तो हमारी बहुत अच्छी गुजरेगी, क्योंकि हमारी हीरा बेटी जो आई है घर पे। जी खाला, स्कूल टाइमिंग्स में स्कूल का काम करना था ना, इसलिए जल्दी आई हूँ। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ अच्छी सी। सिर्फ चाय? मैंने नाश्ता नहीं किया, मेरे लिए नाश्ता भी। चलो मैं नाश्ता बना के लाती हूँ, तुम खाला भाई की बातें करो, मैं आती हूँ। अब तो खुश हो ना, वारिस आ गया आपके पास? जी। चलो मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। हाँ क्या बात है जोया, घर में सब खैरियत? कहाँ हो तुम? मैं हीरा को ड्रॉप करके ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। घर में सब खैरियत है, डोंट वरी। मुझे तुमसे ये कहना था कि आज शायद वो वक्त आ गया है अशर, जब हीरा के नाम की बंदी पट्टी तुम्हारी आंखों पर खुल जाएगी। मैं समझा नहीं तुम क्या कह रहे हो। तुम बस प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें सामने बैठ के बताती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। अच्छा पहले रिलैक्स होके बैठ तो जाओ। रिलैक्स होने दिया है तुमने? काबिल छोड़ा है मुझे तुमने इसके? हरकतें हीरा करेगी और तुम ब्लेम मुझ पे कर रहे हो। अब क्या कर रही है? मैंने तुमसे कहा था ना कि हीरा तुमसे झूठ बोल रही है। वो अलीजे के बहाने अपने एक्स हस्बैंड फरीद से मिलने जाती है अपनी माँ के घर। तुमने किस किस्म की फजूल बातें शुरू कर दी है? कैसे किसी भी बेबुनियाद बात पे मैं यकीन करूँ? अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ ही गई है, तब तुम वहाँ पे कुछ नहीं था। और ये बात मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूंगी, तुम्हारे बारे में हो या उसके बारे में? तुम बहुत मासूम हो, तुम उसे समझ ही नहीं सके। अभी मुझे किसने बुलाया ये बताओ। फाइन, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है। हाँ तो क्या सबूत है तुम्हारे पास, बताओ। आज भी हीरा फरीद से मिलने ही गई है। अब ये बात तुम कैसे कह सकती हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? I'm sorry, आज तो पॉसिबल नहीं होगा। वो दरअसल मुझे अलीजे को स्कूल लेकर जाना है उसके एडमिशन के लिए। लेकिन अलीजे के एडमिशन के लिए तो हीरा जा रही थी ना? जी जी मुझे पता है, हीरा भी वहीं आ रही है। कहाँ जा रहे? क्या हीरा गई?
अम्मी आपने फरीद को क्यों बुलाया यहाँ? उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। हेरा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? फरीद कोई पहली बार तो यहाँ नहीं आ रहा है, और वैसे भी उसे मैंने नहीं अलीजे ने फोन करके बुलाया है। हाँ तो आपको मुझे फोन करके तो बता देना चाहिए था कि फरीद यहाँ पर है, मैं नहीं आती। हेरा बेटा क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? वो पहले भी यहाँ आया है और तुम्हारी उससे मुलाकात भी हुई है, तो अब क्या बात है? जोया मेरे साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है, वो मुझे डसने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? रही बात एडमिशन की तो मैं खुद भी करवा सकती हूँ। हेरा मैं तुमसे कितनी बार अपनी गलती की माफी मांग चुका हूँ, मैंने ना सिर्फ तुम पर बल्कि खुद पर भी बहुत बड़ा जुल्म किया। तुम क्यों मुझसे अब तक नाराज हो? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे कोई नाराज वराज नहीं हूँ, क्योंकि नाराज उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई ताल्लुक हो। तुम क्यों ये बात भूल जाते हो कि तुमने तीन लफ्ज कहकर सारे ताल्लुक मुझसे खत्म कर दिए थे? फरीद, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो सकता है। मैं मानता हूं मैंने जज्बात में आकर गुस्से में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, जिस पर मैं अब तक पछता रहा हूं, अब तक शर्मिंदा हूं। सिर्फ एक बार। अशर आप क्या हो रहे हैं यहाँ पे? क्या हो रहा है, क्या मतलब? मैंने अपनी आंखों से देख लिया यहाँ पे। हेरा मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ लड़की समझता था, और इसी वजह से जोया के कहने पे मैंने तुझसे शादी की थी। आप क्या कह रहे हैं अशर? अरे तुम तो चुप करो यार, तुमसे बात नहीं कर रहा। अशर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, आपकी नजरों का धोखा है और कुछ नहीं। मेरी नजरों का धोखा है? जोया मुझे तुम्हारे बारे में बताती रही मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी, मगर आज तुम्हें अपनी आंखों से रंगरलियां बनाते देख लिया। रंगरलियों का क्या मतलब है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? फरीद, फरीद क्या कर रहे हो? छोड़े ने? चुप नहीं रहूंगा मैं, इल्जाम लगा रहे तुम्हारे ऊपर। फरीद ये मेरे शौहर है, क्या बदतमीजी है? शौहर है तो कुछ भी बोलेगा क्या? आप कुछ भी बोल सकते हैं, छोड़े ने? जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। अशर, अशर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अशर, अशर प्लीज। आज छोड़ो, आज छोड़ो मेरा। सोया मुझे बार बार बताती रही मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी, और आज तुमने मुझे दुख दिया। अशर जोया नहीं चाहती कि मैं आपके साथ रहूं। अशर, अशर प्लीज मेरा यकीन करें, जोया चाहती है कि मैं नाम अपनी जुबान पे मत लाओ, समझ आई? और आज के बाद मेरे घर में दाखिल मत। अशर मैं अपने बच्चे की माँ हूँ, कैसे दाखिल ना हूँ? इसकी माँ हो, उसको पालो, और रही बात इस बच्चे की, अशर तो इसकी माँ मौजूद है। नहीं, हाँ से जोया इसकी माँ है। नहीं अशर, नहीं, आप मेरे बच्चे को लेकर नहीं जा सकते। अशर, 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 बेगम साहबा।
खैरियत है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने नाश्ता नहीं किया, बस जूस मंगाया है। नहीं भाई, तबीयत ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ब्लड प्रेशर लो है और रात नींद भी नहीं आई सही से। अच्छा, तभी आप इतनी देर तक सोती रही हैं और आपको पता नहीं है घर में पीछे क्या क्या हो गया है। खैरियत, क्या हो गया है? घर में सन्नाटा क्यों है? कहाँ है सब? मुझे हीरा बीबी पहले अशर साहब के साथ कहीं गई, फिर अशर साहब वापस आ गए और फिर गुस्से में कहीं चले गए। और वारिस? वो तो जी वो साथ ले गई हैं। क्या हो रहा है इस घर में? तुम जाओ, मेरा फोन लेके आओ, मैंने चार्ज पे लगाया। जाओ जी। क्या हो रहा है? अरे सायरा, तुम मत रो, अगर तुम रोगी तो हीरा बेटी का क्या बनेगा? मैं थोड़ी देर को घर से क्या गई कि ये सब हो गया। मना किया था मैंने आपको, मना किया था, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी, नहीं ये खुशियां मेरे नसीब में। देख लिया आपने, जोया जो मेरी दोस्त बनकर आई थी सिर्फ अपना घर बचाने के लिए, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हीरा बेटा परेशान मत हो, अभी अशर गुस्से में है ना, उसका जैसे गुस्सा ठंडा होगा वो असल बात तक पहुंचेगा और तुम देखना वो तुम्हें खुद लेने आएगा। खाला मत रोए ना प्लीज, हम चलेंगे वारिस को लेने। वो हमें हमारा वारिस नहीं देंगे, उन्होंने हमसे हमारा वारिस छीन लिया है। नहीं, हम जाएंगे, नानू और मैं चले जाएंगे। आपने देखा दो मुफाद परस लोग मिलकर किस तरह तीसरे का नुकसान कर देते हैं। जोया और अशर की अम्मी ने अपना मतलब पूरा करने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जोया को सिर्फ अपना घर बचाना था और अशर की अम्मी को, उनको सिर्फ अपने घर का वारिस चाहिए था। अपना मतलब पूरा होने के बाद उन्होंने कैसे मुझे घर से निकाल दिया, जैसे मैं इंसान ही नहीं हूं, जैसे मुझे तकलीफ ही नहीं होती है। मैं कैसे रहूंगी अपने बच्चे के बगैर अम्मी? मैं कैसे छोड़ दूं उन लोगों पर? हाँ हीरा, तुम्हें तुम्हारा वारिस बहुत जल्द मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अशर यहाँ कहाँ घूमते फिर रहे हो अपनी बेगम को लेके? कहाँ थे भाई? हीरा कहाँ है? हीरा अपनी अम्मी के घर पे, मैं उसे वहां हमेशा हमेशा के लिए छोड़ा। क्या, क्यों? अरे थोड़ी देर को मेरी आंख क्या लग गई तो यहाँ दुनिया ही बदल गई। इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? मैं बताती हूँ अम्मी, अशर के सामने हीरा का असली चेहरा आ गया। वो हम सबको बेवकूफ बना रही थी। ऐसे मुझे दे, क्या बेवकूफ बना रही थी? और तुम कहां जा रहे हो? बैठो यहां, बताओ मुझे क्या देख लिया तुमने? लफ्ज खत्म हो गया बताने के लिए। मैं बताती हूँ, अशर ने हीरा को फरीद के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे जो तुम्हारे मुंह में आता है तुम बके चली जाती हो। सच कह रही, अपनी आंखों से देखा। अशर, अशर मेरी बात सुनो। शुक्र है तेरी शक्ल तो देखी मैंने, तू भी ना इतना अरसा लगा देता है। आ जा। हाँ ना? नहीं यही ठीक है यार। क्यों, खैर तो है? बात ही कुछ ऐसी है, मैं
भाभी के सामने नहीं करना चाहता। अनिला घर पे नहीं है, आ जा करते हैं बात। आ जा बैठ। अब बता क्या कहना चाह रहा था तू? कुछ नहीं यार, मेरा दिल चाहता है मैं खुद को खत्म कर दूं, खुदकुशी कर लूं या फिर उस अशर को जान से मार दूं। क्या पागल हो गया है तू? इतना सेल्फिश हो गया कि हीरा को पाने के लिए अब तू अशर को जान से मारेगा? हीरा को पाने के लिए नहीं, उसकी इज्जत बचाने के। इज्जत बचाने के लिए क्या क्या बात कर रहा है तू? मैं हीरा के घर गया था, अलीजे को स्कूल लेकर जाना था उसके एडमिशन के लिए, और हाँ तो फिर और वहां पर अशर आ गया, उसने हम दोनों को बातें करते हुए देख लिया और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ सोचने लगा, शक करने लगा हीरा पर। बेचारी हीरा, एक मरतबा अशर की वजह से तूने उसे छोड़ दिया, अब वो अशर तेरी वजह से। हाँ, और अब मुझे हीरा को पाने के लिए ना उसका घर बचाने के लिए कुछ करना होगा। देख मेरी बात सुन, परेशान मत हो, जो भी हुआ मैं तेरे साथ हूँ, तुझे मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो मैं तेरा साथ दूंगा, टेंशन मत ले, अल्लाह सब ठीक कर देगा। क्या बात है अशर, इतने उदास क्यों? हीरा की याद आ रही हो? नहीं, जो कुछ भी हुआ है मामूली बात है। लो संभालो इसे। क्या हुआ अम्मी, वारिस से परेशान हो गई? नहीं, मैं अपने पोते से क्यों परेशान हुई थी? लेकिन तुम एक माँ से उसका बच्चा छीन के आई हो, तुम माँ बनके भी दिखाओ। माँ बनने की क्या जरूरत, मैं तो वारिस की माँ हूँ। तो संभालो इसे। तुम्हें क्या हुआ? लगता है तेरा याद आ रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम अपने किए पे पछता रहे? देखिए, मैंने जो कुछ भी किया वो तो ठीक है। ये तो तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है, तुम अपनी गलती को कभी तस्लीम नहीं करते और ना ही कभी शर्मिंदा होते। शर्मिंदा तो मैं जोए की नजर में हूँ, हीरा के बारे में हमेशा ऐसा नहीं करता। आज सब कुछ सामने आ गया, जोया सही थी, मैं गलत था। जोया सही थी या गलत, लेकिन इतना बड़ा फैसला करने से पहले कम से कम मुझे तो बताया होता। किससे पूछते? हंस को वहां उसके घर छोड़ने गए थे, अलीजे के एडमिशन के लिए गए थे। अम्मी प्लीज, इस वक्त ये सारी बातें करना जरूरी है क्या? अशर पहले से इतना परेशान है। आप प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मैं अकेले रहना चाहता हूं। ठीक है। मेरे ख्याल में आपका ख्याल सच साबित होने वाला है फरीद साहब। Really? लेकिन कैसे हो गए? वो ऐसे कि मैं आपसे जो जो कहती रहूं, आप वो सब करते जाएं। आप जो भी कहेंगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, बताएं मुझे क्या करना होगा। उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे एक वादा जरूर करती हूँ कि बहुत जल्द मैं आपकी मुलाकात हीरा से करवा दूंगी। मैं आज शाम को आपको हीरा से मिलवाऊंगी। ओह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बस आप वक्त पर उसी रेस्टोरेंट पर पहुंच जाइएगा जहां हमारी मुलाकात। आप फरीद है ना, लीजे के फादर? जी, आप जोया है ना? जी, मैं जोया हूँ। और आपकी अलीजे? अलीजे के एडमिशन के लिए तो हीरा जा रही थी ना? जी जी, मुझे पता है, हीरा भी वहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि
जोया हेरा के खिलाफ मकड़ी की तरह एक चाल बिछा रही थी और मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। ये यहाँ पे रख दो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कुलसुम साहब के लिए चाय ले आओ। जी। शकील साहब, आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए, तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक है लेकिन मूड ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? ऑफिस का स्टाफ भी कभी कभी ऐसी हरकत करता है कि कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मैं घर आ गया। चलें, अच्छा किया जो आप घर आ गए, बिला वजह अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाया करें। इसलिए तो मैं घर आ गया आपके पास। हेलो बाबा। हाय मामा। हेलो बेटा, कैसी हो? एकदम परफेक्ट। दैट्स ग्रेट। अब तो आपका मूड अच्छा हो ही गया होगा, आपकी बेटी जो आ गई आपके सामने। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, आज तो हमारी बेटी का मूड भी अच्छा लग रहा है। रमशा का मूड अच्छा कैसे नहीं होगा, आज रमशा की दोस्त बबली जो उससे मिलने आई थी। रमशा बेटी, आपने बबली से पूछा आईडी कहाँ है, उसको कुछ पता चला? बाबा आईडी कहीं भी हो, हमें इससे क्या, और वैसे भी मैंने बबली से कह दिया है कि मुझे उन लोगों से फ्रेंडशिप नहीं रखनी। क्या तुमने ऐसा कह दिया उससे? तभी जाते हुए उसका मुंह बहुत उतरा हुआ था। मामा, उतरा हुआ था तो उतरा रहे, मैं क्या करूं, बिला वजह आईडी के फेवर में बात कर रही थी। चलें, हम सब लोग अब चाय पी लेते हैं, ठीक है? कुलसुम चाय ले आओ भाई। क्या हुआ बाबा को? ओहो नूरी, नूरी जी, वारिस बाबा का डायपर चेंज करो, गीला हो गया जी। और सुनो, इसका डायपर चेंज करने के बाद इसको अपने पास ही रखो, संभालो इसे। बीबी जी, मैं तो किचन की सफाई कर रही हूँ, बाबा को कैसे संभालूं? तो ठीक है, तुम इसको अम्मी को दे दो, इसकी दादी खुश भी हो जाएंगी और इसे बहला भी लेंगी। वो तो फोन पे कमल बीबी से बातें कर रही है। तुम्हें कैसे पता कि कमल से बात कर रही? वो जी फोन पे कमल बीबी का नाम ले रही थी तो मैंने सुन लिया। क्या बात कर रही थी? वो कह रही थी कि क्या सोचने लगी नूरी? वो मैं उनको चाय देने गई थी तो मैंने बस इतना ही सुना कि वो कमल बीबी का नाम ले रही थी, और तो मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैं जानती हूँ नूरी के इन माँ बेटी के पास तो मेरी बुराई करने के अलावा कोई काम नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम भी मुझसे कुछ छुपाओगी। नहीं नहीं बीबी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ सुना ही नहीं। अच्छा ठीक है, बाबा को ले जाओ, चेंज करवाने के बाद इसको दादी को दे देना। जी चल, आराम से। चलो ठीक है। अच्छा कमल, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, मेरा पोता आ गया। लाओ। ये ले बेगम साहबा। लाओ इसे। अरे बात सुनो, जोया कहाँ है? वो तो जी मेकअप कर रही है। मेकअप कर रही? अरे बच्चे को रोता छोड़ के मेकअप में लग गई है, उसे किसी फैशन शो में जाना है क्या? हैं? बेगम साहबा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी ना? तेरी बातों का मैं क्यों बुरा मानूंगी, बोल। बेगम साहबा, आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ जाती कि सोया बेबी सौतेली माँ है, और सौतेली माँ कभी सगी नहीं बन सकती, वो भला अपना चैंस कौन छोड़ के क्यों संभालेंगी? बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, सिर्फ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि जोया इसकी सौतेली माँ है। ये सारा खेल तो उसने अशर को मुट्ठी में करने के लिए किया है, और अशर से तो जोया के अलावा कोई नजर ही नहीं आती। ठीक, मैं भी जाके उससे पूछती हूँ कि आखिर उसने इसे क्यों रोने दिया। नाना बेगम साहबा, अभी आप किसी से कुछ भी मत कहें, कहीं ऐसा ना हो कि सोया बीबी अशर साहब को आपके खिलाफ करके आपको घर से ही बाहर कर दे। क्या बकवास कर रही,
जो तेरे मुंह में आता है तू बके चली जाती है। बेगम साहिबा मुझे माफ कर दे, लेकिन जो मैं कह रही हूँ ना वही सच है। आप ना अभी किसी से कुछ मत कहें, चुप रहे, और वारिस बाबा की तो बिल्कुल फिक्र ना करें। उसके लिए मैं हूँ ना, और वारिस बाबा के पास तो आप जैसी अच्छी प्यार करने वाली दादी भी है। हाँ भाई, मेरा पोता मुझ पे भारी थोड़ी है, पाल लूंगी मैं इसे। आप तो बस अब तेल देखें और तेल की धार। वो मुझे किचन में काम है, मैं आती हूँ। फरीद कैसे हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हारा अंदाज देखकर, तुम मुझसे कभी इस तरह बात नहीं करती हो, इसलिए। अब मैं क्या कहूँ, मामा ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ आज मूवी देखने जाऊं। चलें फरीद। अच्छा, मामा ने कहा इसलिए, ओके ठीक है, तुम जाओ, मुझे तो नहीं देखनी। मुझे मूवीज देखने का कोई शौक नहीं है, तुम्हें पता ही है। ठीक है, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मामा को कह देती हूँ कि तुमने जाने से मना कर दिया। हाँ ठीक है, बता दो, मुझे नहीं देखनी। अम्मी आज आपकी बहुत याद आ रही है, आप आज होती तो देखती। आपकी जोया जीत गई अम्मी, मेरी चाहत जीत गई। अब मुझे किसी हीरा का खौफ नहीं, किसी फाखरा बेगम का डर नहीं। उन्हें तो अपना पोता चाहिए था ना, मुझे मेरा अर्शन। अब वो कभी अशर से नहीं कह पाएगी कि जोया को छोड़ दो। मैं जीत गई अम्मी, मैं जीत गई। आज आपकी बहुत याद आ रही। अशर, हेलो अशर, क्या हो रहा है? आपको याद किया जा रहा है। भाई मैं तो समझा था कि आप अपने बेटे के साथ बिजी होंगी, बस ये बताइए कि क्या कर रहे हैं हमारे साथ साथ? वो अम्मी के पास है। अम्मी को आपकी प्रॉब्लम तो नहीं है तुमसे? होनी तो नहीं चाहिए, उन्हें उनका पोता चाहिए था, मिल गया। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स जी, ये क्या है? सर ये कुछ सीरीज हैं। और ये तो सारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं। जी सर, अगर आप कहें तो उनको इंटरव्यू के लिए भेजूं? नहीं, आप उनसे सॉरी कर लीजिए और ये सीरीज वापस भेज दीजिए। लेकिन सर क्या आपको सेक्रेटरी नहीं रखनी? सेक्रेटरी रखनी तो है, मगर इस बार फीमेल नहीं, मेल। आप एक काम कीजिए, अखबार में ऐड दोबारा दीजिए और वहाँ पर लिख दीजिएगा कि मेल कैंडिडेट चाहिए। लेकिन सर हमने ऐड में तो फीमेल भी लिखा था। ठीक है आपने लिखा था, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मुझे मेल चाहिए। अब मैं नहीं चाहता मैं कोई फीमेल सेक्रेटरी को अपॉइंट करूँ। ठीक है, प्लीज आइए मेरे लिए कॉफी। जरा आपने इससे पहले कहीं सेक्रेटरी की जॉब की? जी सर, मैंने कुछ अर्सा जॉब की है, लेकिन मैंने सीवी में मेंशन नहीं किया, आई एम सॉरी।
इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू मैरिड? नहीं नहीं सर। इतना घबराने वाली कौन सी बात है? अच्छी बात है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई।